हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आईटीआई रिजल्ट 2023 आया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कैसे चेक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे चेक करना है रिजल्ट, कैसे देखना है, मार्कशीट कैसे डाउनलोड करना है, ये सभी हम वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक देखूंगा, देखिए सबसे ज्यादा अभी जो एनसीबीटी के साइट पे से आप सर्टिफिकेट को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एनसीबीटी की साइट ही नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए सर्वर एरर प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी सर्वर प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसको सक्सेस, ठीक है, सक्सेस करियर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, इस पे आप लोगों को चले जाना है। और यहाँ पे आपको आईटीआई रिजल्ट चेक हेयर डायरेक्ट लिंक आपको मिल गया है ना, डायरेक्ट लिंक। आप चाहें तो रिजल्ट वाले सेक्शन में मैंने तीन चीजें प्रोवाइड की हैं, यहाँ पे एनसीबीटी सीबीटी एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट 2023, आईटीआई रिजल्ट 2023 कैसे देखें, और आईटीआई रिजल्ट 2023। तीन लिंक में से किसी एक लिंक पे आपको ट्राई करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लिया ना, अब देखिए यहाँ ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जब आएंगे नीचे की तरफ तो आईटीआई चेक आईटीआई रिजल्ट 2023, देखिए आपको अपने रिजल्ट को देखने के लिए लगना पड़ेगा। मैं ये वीडियो कब बना रहा हूँ, 14/8/2023, यानी कि आज 14/8/2023 को सुबह में 8:25 AM, यानी कि सुबह में 8:30 बजे ये वीडियो में बना रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सर्वर प्रॉब्लम आएगी, आपको लगना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि एक बार में आपकी वेबसाइट खुल जाए तो नहीं खुलने वाली है, फिर यहाँ पे दूसरी बार ट्राई करिए, रीलोड करिए, देखिए गोल गोल घूम रहा है, तो फाइनली जाकर आपका वेबसाइट कभी ना कभी खुलेगा। तो आपको लगना पड़ेगा, आप सोचेंगे कि एक बार में सर्वर मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 18 लाख कैंडिडेट जो हैं, देखिए 18 लाख में से मैं मान रहा हूँ कि 8-10 लाख देख भी लिए होंगे, मान लीजिए कि 16 लाख भी देख लिए होंगे, तो 2 लाख कैंडिडेट इस पे ऑलरेडी आके विजिट कर रहे हैं, जो कि एक नंबर होता है बहुत ज्यादा। तो वेबसाइट तो सर्वर डाउन होगा ही, देखिए खुल नहीं रहा है, आपको फिर से आके फिर से ट्राई करते रहना है, फिर से देखिए लोडिंग ले रहा है, एक वक्त आएगा आपका खुलकर कुछ इस प्रकार डायरेक्ट लिंक पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते वक्त याद रखिएगा आपको आर लगाकर डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका जैसे 21 सेशन है तो 1021 लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड पे, तो 00 हटाकर R21 और जो आगे का नंबर है वो डालिएगा, यानी कि आर और उसके आगे का नंबर डालना है, 00 हटा देना है। फिर यहाँ पे एग्जाम सिस्टम में आपको एनुअल सेलेक्ट करना है, और प्लीज सेट एनुअल सिस्टम में आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सेलेक्ट करना है। देखिए अभी भी वेबसाइट लोडिंग ले रहा है, काफी देर से लोडिंग ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको आना है, लेकिन आपको लगे रहेंगे ना तो विश्वास मानिए। और दूसरी बात, अगर आप मोबाइल पे चेक कर रहे होंगे तो आपका मोबाइल का डाटा इतना स्लो रहता है कि उस पर आप चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी फाइबर BSNL फाइबर से जोड़ रखा है, स्पीड जिसकी 60 Mbps है, मैं उस पर चेक कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो कैंडिडेट फर्स्ट जो कैंडिडेट हैं, मैं उनका कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट ऐसे चेक करूंगा। देखिए ये ऑफिशियल रिजल्ट है जो कि ncbt.gov.in की वेबसाइट से मैंने चेक किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम सिस्टम, एनुअल सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद सर्च करना है। मैं आपको लास्ट में अगर नहीं चेक कर पाएंगे तो मैं हेल्प करने का तरीका बताऊंगा, आपको एक नंबर दूंगा, अपना एडमिट कार्ड उस पर भेज दीजिएगा। फर्स्ट 10 कैंडिडेट को मैं यहाँ पे रिजल्ट डाउनलोड करके दूंगा, जिससे कि आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। मैं सिर्फ फर्स्ट जो 10 कैंडिडेट आएंगे ना, उन्हीं का रिजल्ट मैं चेक करके दूंगा, क्योंकि ऐसे सभी कैंडिडेट का मैं रिजल्ट चेक करने लगूंगा तो समय काफी ज्यादा लग जाएगा, मेरा पूरा दिन चला जाएगा। तो क्योंकि सर्वर भी आप देख सकते हैं, देखिए अभी तक लोडिंग ले रहा है, और सर्वर डाउन इस बार नहीं आए हैं, इस बार सर्वर डाउन नहीं आए हैं, ये यानी कि पेज खुलेगा, चाहे वो 1 मिनट बाद खुले या 2 मिनट, आपको वेट तो करना ही पड़ेगा फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च करना है, जैसे ही सर्च करेंगे तो ये आपका खुलकर सर्च होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आर से एनुअल सिस्टम, और यहाँ पे 2 इयर्स आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको सर्च करना है, तो आपका नाम, रोल नंबर आ जाएगा, आपकी आईटीआई आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर दिखाई देगा, 100 में से कितना, 86 नंबर है ट्रेड थ्योरी में, इम्प्लाइबिलिटी स्किल में 48 नंबर है 50 में, 250 में 241 नंबर जो है वो आपका किसमें है, ट्रेड प्रैक्टिकल में है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में देख लीजिए 200 में 197 नंबर, टोटल 600 में 572 नंबर मिला है। और यहाँ देखिए रिजल्ट डेट क्या दिखा रहा है, सबका रिजल्ट डेट गलत दिखा रहा है, 19 अगस्त 2023 दिखा रहा है, जो भी कैंडिडेट अपना चेक कर पा रहे हैं।
जबकि आज 14 अगस्त 2023 है, तो रिजल्ट में थोड़ी यहाँ पे डेट गड़बड़ी है, हो सकता है इसको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था। और दूसरी यहाँ पे देखिए, ये 17 सितंबर से पहले पहले बोला जा रहा है कि इफ यू अनसेटिस्फाइड द डिस्प्ले रिजल्ट, यानी कि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने नंबर से, यू कैन रेज ग्रीवेंस फॉलोइंग कन्वोकेशन ऑन सितंबर 17 2023, यानी कि 17 सितंबर 2023 कन्वोकेशन है, उससे पहले आप लोग को ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन हाउ टू रेज ग्रीवेंस प्लीज रिफर ग्रीवेंस यूजर मैनुअल, यानी कि कैसे ग्रीवेंस करना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर ग्रीवेंस के लिए, जैसे मान लीजिए आपका नंबर कम है, जैसे मान लीजिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में कम है तो आपको ग्रीवेंस करना पड़ेगा, आपके ट्रेड थ्योरी में नंबर कम आए तो ग्रीवेंस करना पड़ेगा सही सुधार करवाने के लिए, इम्प्लायबिलिटी में कम है तो ये सुधार करवाने के लिए किया जाएगा। अब चलिए वो नंबर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसे आप लोग रिजल्ट को चेक करेंगे। देखिए ये लोडिंग ले रहा है, कुछ देर बाद ये खुलेगा, मैं इसको छोड़ा हुआ हूँ, ये खुलेगा ही खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही आपको आकर चेक कर लेना है, क्या करना है, जैसे ये डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, आप एनसीबीटी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आप एनसीबीटी वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वेरिफिकेशन में जाना होगा, फिर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में जाना होगा, और यहाँ पे लोडिंग बहुत ज्यादा ले रहा है हाई स्पीड होने की वजह से। देखिए अभी सर्वर एरर नहीं आया, ये पेज खुलेगा ही खुलेगा। तो आपको अपने पहले तो आपको कैसे चेक करना है, आपको अपने सिस्टम पे चेक करना है जिसकी स्पीड डाटा तेज हो। मोबाइल में आप नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल का सर्वर बहुत डाउन रहता है, यानी कि आपका डाटा की स्पीड बहुत डाउन होता है। यहाँ पे फाइबर जियो सॉरी बीएसएनएल फाइबर से मैं चेक कर रहा हूँ। अगर मैं स्पीड दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे स्पीड काफी फास्ट है, देखिए यहाँ पे मेरी स्पीड अभी बहुत तेज आ रही है तब मैं चेक कर पा रहा हूँ, अदरवाइज आप नहीं चेक कर पाएंगे। देखिए ये कितना तेज आ रहा है, 75 Mbps/s, 68 Mbps/s, 67 Mbps/s की स्पीड से आ रहा है तब मैं यहाँ पे ये रिजल्ट चेक कर पाया हूँ, अदरवाइज मैं भी रिजल्ट नहीं चेक कर पाता, ठीक है। तो आप लोग अपना ऐसा रिजल्ट देखेंगे। अब देखिए मैं एक नंबर आप लोगों को बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 9140। कॉन्टेक्ट करने का मतलब है आप लोग व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, व्हाट्सएप पे आप लोग अपना एडमिट कार्ड भेजिए, 10 जो कैंडिडेट हैं फर्स्ट जो भी जल्दी से अपना एडमिट कार्ड भेजेंगे उनका रिजल्ट मैं डाउनलोड करके भेजूंगा। और मैं अब प्रिंट करने का भी तरीका बताऊंगा, पहले नंबर नोट कर लीजिए, 9140842403, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे फर्स्ट 10 कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड भेजेंगे उनको डाउनलोड करके दिया जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, 9140, ठीक है, 822403, ये नंबर पे आप लोग अपना एडमिट कार्ड भेजेंगे, रिजल्ट डाउनलोड करके दिया जाएगा। अब देखिए आपको अपना ये मार्कशीट आ गया ना, तो प्रिंट कैसे करना है, तो ये वेबसाइट में अगर आप लोग अपने लैपटॉप या पीसी में खोलेंगे तो कंट्रोल पी दबाएंगे, देखिए कंट्रोल पी दबाने पे ये मार्कशीट आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन से प्रिंट से करना है, तो मैं यहाँ प्रिंट नहीं करूंगा, यहाँ पे हम सेव एज पीडीएफ करके सेव कर लूंगा इसको। अब ये पूछ रहा है किस नाम से, तो मैं यहाँ पे मार्कशीट वेरिफिकेशन नाम से ही सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए मैं डेस्कटॉप पे चल के देख रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट वाकई में डाउनलोड हो चुका है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे मार्कशीट वेरिफिकेशन नाम से वो डाउनलोड हो चुका होगा, इतनी ज्यादा है ना कि मैं यहाँ पे देखूंगा, एक एक चीज चेक करनी पड़ेंगी। देखिए मार्कशीट वेरिफिकेशन से यहाँ पे पीडीएफ ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब प्रिंट वगैरह हो ही चुका है, मार्क्स दिखाने लगा और लेकिन ये डेट बस गड़बड़ दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप भी अपना रिजल्ट तो क्या कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। एक बार और मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे 67 Mbps के हिसाब से मेरी नेट चल रही है, इस वजह से मैं इसको देख पा रहा हूँ। देखिए अभी भी लोडिंग ले रहा है, ये पेज ओपन होगा, देखिए अब ब्लैक हो गया ना, यानी कि ये पेज ओपन होने वाला है, ठीक है। तो आप इस प्रकार अपनी मार्कशीट को रिजल्ट को सर्टिफिकेट को प्रिंट कर लीजिएगा और आइए आप लोग भेजिए, आप लोगों का मैं रिजल्ट डाउनलोड करके भेज रहा हूँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आईटीआई छात्रों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जब आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे ना तो यहाँ टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, इसमें लगभग 13,000 कैंडिडेट होने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लगभग कितने कैंडिडेट हो चुके हैं, तो 12,999 कैंडिडेट हैं जो कि आईटीआई से हैं। इनको डायरेक्टली एसएमएस के थ्रू यहाँ पे रिजल्ट हो गया, देखिए आईटीआई से रिलेटेड रिक्रूटमेंट आया है, यहाँ पे उनकी क्लास की शेड्यूल, यहाँ पे अप्रेंटिस की शेड्यूल और फिर आगे प्राइवेट जॉब की शेड्यूल, देखिए एनसीएल हेम ऑपरेटर आईटीआई छात्रों के लिए निकल कर आया था यहाँ पे आईटीआई छात्रों के लिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल में मिलता रहता है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं आईटीआई के बाद तो आप लोग ज्वाइन जरूर होइए, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।